इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एक किसान हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना जारी किया गया है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान आते हैं उनको हर एवरी ईयर्स गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपये की धनराशि दिया जाता है। तो किसान सम्मान निधि योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल कम्प्लीट प्रोसेस बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं CSC की सर्विस लेना तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साइड में बेल नोटिफिकेशन है ऑन कर लें। इसी तरह हम आपके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम आपके लिए लाता रहूँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, PM किसान सम्मान निधि योजना का न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए PMKisan.gov.in पेज पे आ जाना है। तो इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके इस पेज पे विजिट कर सकते हो। किसान भाई, अगर यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो आने वाले समय पे यहाँ पे आपको सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पे किसान भाइयों को किसी CSC सेंटर पे जाना होगा। CSC सेंटर से जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिल रहा है। खासतौर पर मैं ये वीडियो अपने CSC यूजर के लिए बना रहा हूँ। अगर आप एक CSC यूजर हैं, किस तरीके से PM किसान सम्मान निधि योजना का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड में सबसे ऊपर CSC लॉगिन लिखा गया है, तो आपको CSC लॉगिन पे क्लिक कर देना है। CSC लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम, नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर कोड, नेक्स्ट यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC यूजर के लिए जो डैशबोर्ड डिजाइन किया गया है, आप उस पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आपको यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फार्मर का डिटेल्स देना होगा, तो सबसे पहले फार्मर का स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे फार्मर का स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ब्लॉक, ब्लॉक के बाद विलेज, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फार्मर का नेम पूछ रहा है, आधार कार्ड में जो नेम है फार्मर का वही सेम नेम है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम नेम को टाइप कर देते हैं। देन यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके आप जो भी मेल है फीमेल है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, SC ST एंड जनरल अदर्स जो भी आपका है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप पूछ रहा है, फार्मर टाइप में स्मॉल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए किसान के पास, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे स्मॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आधार ID पूछ रहा है, आधार ID ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड आपको देना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट का IFSC कोड देना होगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक का नेम और नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट नंबर, फार्मर का जो भी आधार नंबर है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे एड्रेस, इसके बाद यहाँ पे पिन कोड और नेक्स्ट यहाँ पे फादर, हस्बैंड या मदर का नेम जो भी है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर, लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने लेखपाल से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पेपर में ऑलरेडी रहता ही है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, यहाँ पे आपको अगर आपकी खुद के नाम थे यहाँ पे आपको सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर यहाँ पे पैतृक जमीन है तो यहाँ पे आपको जॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो जमीन है पैतृक है तो इसको मैं यहाँ पे जॉइंट पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। जॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्वे खाता नंबर आपको टाइप कर देना है और इसके बाद यहाँ पे डॉक खसरा नंबर टाइप कर देना है और नेक्स्ट यहाँ पे एरिया जितना हेक्टेयर में ज़मीन है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लैंड का पेपर पूछ रहा है, लैंड का जो भी आपका पेपर है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आधार और इसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक, इन सभी को आपको अपना PDF से डाउनलोड कर लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन में, अगर आप एक टैक्स पेयर हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे आ जाना है। चलिए यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे फार्मर का आधार नंबर रहेगा तो आधार नंबर आपको टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड दिया गया है, कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। नेक्स्ट आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे फार्मर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना CSC वॉलेट का पासवर्ड एंटर कर देना है। इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आपके CSC वॉलेट से 5 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पे जो आपका कमीशन बनता है 15 रुपये। तो इस तरीके से आप PM किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कर दीजिए लाइक। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।